नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं खेल बिहार न्यूज। चलिए जानते हैं आज की टॉप खबरें। बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। आकाश चोपड़ा ने कहा, रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल टेस्ट में दूसरे सबसे सफल जोड़ी। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा, भारतीय टीम का पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकता है, बस स्मिथ और वार्नर से निपटना होगा। पाकिस्तान के शहीद अफरीदी ने धोनी को रिकी पोंटिंग से बेहतर कप्तान बताया। अफरीदी का मानना, धोनी ने युवाओं से बनाई है बड़ी टीम। भारतीय टीम के बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट करियर में पूरे किए 15 साल। थैंक्स को कहा शुक्रिया। हरियाणा सरकार ने बबीता कविता को खेल विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया। दोनों को खेल कोटे से रिनियुक्त। मजदूरी करने को मजबूर विश्व की राष्ट्रीय खिलाड़ी। शिक्षा खेल मंत्री ने दी 5 लाख की आर्थिक मदद। लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में 8 हार के साथ टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद का निराशाजनक प्रदर्शन। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बने पिता। पांड्या ने कहा, हमें बेटे के रूप में आशीर्वाद मिला। लाइफ टाइम बैन पर 20 साल बाद अजरुद्दीन ने कहा, मैं नहीं जानता किस कारण से मुझ पर प्रतिबंध लगा था। मॉर्गन ने कहा, आईपीएल खेलकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने किया यह वर्ल्ड कप की तैयारी। बीसीसीआई आईपीएल ने सबसे पहले भारत में कैंप नहीं लगाना चाहती है, खिलाड़ियों को होगा खतरा। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने कहा, आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। सौरव गांगुली के पहले कोच अशोक मुस्तफी का निधन। बंगाल क्रिकेट ने जताया शोक। भारतीय मुल्क मोहाली के सिमी सिंह को आयरलैंड क्रिकेट टीम में मिली जगह। वर्ल्ड कप सुपर लीग में खेलेंगे सिमी। खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल खेल बिहार न्यूज को। धन्यवाद।